हेलो दोस्तों, मैं हूँ एक्टर हर्षद। कैसे आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। तो ये एक लेट पोस्ट है, एक लेट ब्लॉग है। हर दिवाली में हम एक दिन के लिए पास ही कहीं पर ट्रिप के लिए जाते हैं। तो ये गाड़ियाँ हैं दो, और ये हम सब दोस्त लोग इकट्ठा हुए हैं और बर्तन लिया है। वहाँ पे हम स्पॉट पर जहाँ भी जाने वाले हैं वहाँ पर हम पार्टी करेंगे, खाना बनाएंगे, वेज नॉन वेज दोनों। तो हम डिस्कशन कर रहे हैं कि वहाँ पे क्या करेंगे और कितने लोग आने वाले हैं साथ में। तो हमने सब बाजार खरीद किया है, सब बर्तन लिए हैं। ये देखिए, ये सब लोग एक गाड़ी में बैठे, ये सब लोग हमारे दोस्त हैं गली के। तो चलो, ये थार गाड़ी है मेरे भाई की। तो हम आज एक दिन के लिए जा रहे हैं अंदूर मंदूर, एक ऐसा स्पॉट है वहाँ पे बहुत बड़ा डैम है, एक बहुत बड़ी नदी है, वहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउसेस है। और ये दिवाली की छुट्टी में वहाँ पे पूरे जिले से बहुत सारे लोग पार्टी करने के लिए आते हैं। तो हम भी जा रहे हैं, और हम भी बहुत लोग हैं क्योंकि ये एक पास वाली नदी है कले गांव में। वहाँ पे कले गांव है, मराठी में कड़े बोलते हैं। और ये हमने पकड़ लिया है गगनबावड़ा रोड हाईवे। तो हम भी बहुत लोग हैं, बहुत हमारे दोस्त गांव छुट्टी के लिए आए हैं, जो कि बाहर जॉब में है पुणे मुंबई में। तो ये हम थार में बैठे हैं, ये थार के एक कोने में एक अच्छा ऐसा एक डिजाइन था, ऊंट और थार गाड़ी। सेल्फी लेने का एक मोह कंट्रोल नहीं किया मैंने। तो वो जो गाड़ी जा रही है वो भी हमारे साथ ही है, वो भी मेरे भाई की गाड़ी है। तो हम निकल पड़े रास्ते में, बीच में ही कहीं पर रुक के और कुछ खरीदना चाहते हैं। उसमें चिकन है, चिकन मसाला है। एक्चुअली जिस स्पॉट पर हम जा रहे हैं वो हमारे गांव के पास ही है, मतलब 30-40 किलोमीटर पर ही है। हम हर साल वहां पे जाते हैं, पार्टी करते हैं, नहाते हैं वहां पे डैम में, नहाते हैं, पार्टी करते हैं, वहां पे खेलते हैं क्रिकेट। और पूरे जिले से वहां पे लोग आते हैं, बहुत भीड़ होती है एक्चुअली हर दिवाली में। ये गगनबावड़ा रोड है हाईवे, ये हमने गाड़ी रोकी है। ये सब हमारे साथ है, ये सब गली के दोस्त है। ये पीछे बैठा है दोस्त मंथन, ये सोहम है, ये रोहित है, ये सोहम है, ये केतन है जिसकी थार गाड़ी है, ये सचिन है, और ये है हम। ये अक्षय है, वो सचिन है। ये हमने एक छोटा सा छोटी रील बनाई है बीच में। तो ये मैंने अपलोड भी कर दी है इंस्टाग्राम पे, एक फनी रील बनाई थी। तो ये हमने रूट पकड़ लिया है अंदूर मंदूर का। अब हम अंदूर मंदिर के पास ही हैं, अगले 15 मिनट में पहुंच जाएंगे।
शेवटी प्रयत्न ना यश आणलं, 2 महिन्यांनी रिप्लाय दिलाय का? अच्छा है वहाँ का क्लाइमेट, इन्वायरमेंट सब बहुत अच्छा है। एक्चुअली मेरा गांव ही मतलब खेड़े गांव है, मराठी में बोलते हैं ना वो, तो आसपास सब नदियां ही है। मेरे गांव के तीनों बाजू में ऐसे नदियां है और ये नदी 11-12 महीने तक भरी हुई रहती है पानी से। ये डैम की शुरुआत हुई है, आप देख रहे हैं ये जो खिड़की से, ये डैम है जहाँ पे हम पार्टी करने वाले हैं। ये बहुत बड़ा डैम है, ये बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हम रुके हुए हैं यहाँ पे, देखेंगे कहाँ रुकना है। ये देखिए डैम आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, वार्म और अट्रैक्टिव स्पॉट है ये, अंदुर मंदुर डैम कहते हैं। जूम करोगे? ये फार्म हाउसेस है आसपास में, बहुत सारे फार्म हाउसेस है वहाँ पे, ये मैं वीडियो में आने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी कुछ काम कर रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ कायदर मन की। ये देखिए नज़ारा आप देख रहे होंगे, बहुत ही सुंदर, शांत, वार्म नज़ारा है ये। ये हम रुके हुए हैं, हम देख रहे हैं क्या कुछ रह तो नहीं गया। ये नीलेश और ये संग्राम है, तो ये हमने इस गाड़ी के पीछे बर्तन और कुछ सामान डाला हुआ है, चेक कर रहे हैं कि सब ठीक तो है, मतलब कुछ रह तो नहीं गया। ये देखिए अब वहाँ पे जाके मस्त वेज नॉन वेज, नॉन वेज में हम चिकन बनाएंगे, चिकन मसाला, और जितने भी लड़के हैं वो सब उसमें से 8-10 तो खाना बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं घर वालों के जैसा। ये देखिए ये मजाक हो रहा है बाहर, ये एनर्जी बढ़ रही है हमारी, हमारा उत्साह बढ़ रहा है, हम बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि हम, ये देखिए ये बहुत सारे फार्म हाउसेस है यहाँ पे, हम अभी पहुंच गए हैं इसलिए हमारा उत्साह द्विगुणित हो गया। ये अभी हम पहुंच गए, अब हम स्पॉट देखेंगे खाना बनाने के लिए। यहाँ पे हम रील बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वैभव है। ये हम रील के लिए रुके थे, अब रील बनेगी। ये देखिए एक इंस्टाग्राम पे एक ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है, वो सॉन्ग के लिरिक्स मैं नहीं बता सकता, तो उस पर ये रील जाएगी। एक्चुअली मैंने शेयर कर दी है। ये नीलेश और मंदार है, ये संग्राम है, ये अक्षय है, ये आकाश है। तो हम पहुंच गए हैं, हमें स्पॉट भी मिला है, हमने डिसीजन किया है कि कहाँ पे खाना बनाएंगे। ये हमने सब सामान लिया है साथ में। ये नदी है, वहाँ पे खेत है, ये अभी चावल की खेती यहाँ पे पूरी हुई है।
अभी ये गन्ने के लिए खेत तैयार कर रहे हैं, तो हमें स्पॉट मिला है, दोस्तों ने एक अच्छा स्पॉट पकड़ लिया है। यहाँ पे हम बनाएंगे खाना और तैरने भी जाएंगे। ये खाना बनाने वाले हैं केतन, सचिन, और उनको मदद करेंगे हम सब लोग। यहाँ पे हमने सांप देख लिया है, ये देखिए, ये यहाँ पे है प्याज, प्याज काट रहे हैं दोस्त सब। बंटी, रोहित और मंथन, ये केतन अब खाना बनाने की शुरुआत कर रहा है। ये लकड़ियां भी इकट्ठा की है। ये सब लोग सांप के पीछे पड़े हैं, ये देखिए वहां पे हमने एक छोटा सांप देख लिया है, और ये सब लोग सांप, ये देखिए ये यहाँ पे है, ये आपने देखा होगा हिल रहा है, ये है, हाँ तो ये है सांप, मीडियम साइज का सांप होगा ये। चिकन एक नंबर दियो, पावला होती 3 kg, मतलब 3 किलो चिकन लिया है हमने। ये चूल्हा बन रहा है। तो सब मिलके खाना बना रहे हैं, और अब हम जाएंगे तैरने के लिए। ये मैं हूँ तैयार। मैं हर साल जब भी यहाँ आता हूँ इस नदी में तैर के जाता ही हूँ। बहुत अच्छा लगता है तैरने में, बहुत पानी स्वच्छ होता है और पानी ठंडा, मतलब वार्म होता है, बहुत ठंडा नहीं होता लेकिन वार्म होता है, और हर साल तैरता हूँ इसमें, और तैरने के बाद खाना खाने जाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैं यहाँ से गया हूँ, जहाँ पे खाना बन रहा है वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे थोड़ी देर रुकूँगा और वहाँ से फिर वापस आ जाऊँगा। ये मेरा दोस्त वीडियो कर रहा है, ये देखिए, ये यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ जहाँ पर खाना बन रहा है। अच्छा लगता है पानी में तैरना, बहुत सारे लोग पानी में इस तैरते हैं नदी में, और हमारे लिए तो ये बहुत ही कैजुअल है, नदी में तैरना, वेल में तैरना। हम तो गांव के लोग हैं, तैरना हमारे लिए आसान बात होती है, हम बचपन से ही सीखते हैं। तो ये हम कुछ वीडियो बना रहे हैं पानी में। बाल बढ़ाए हैं बहुत, तो इसका कुछ उपयोग होता है पानी में, कुछ स्टाइल कर सकते हैं, कुछ वीडियोस बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं। तो हम अब वापस आ गए हैं नहा के, अच्छे से फ्रेश होके, और ये खाना अभी बन रहा है, अगले कुछ ही देर में खाना बनने वाला है। ये चिकन बन रहा है, चिकन मसाला। और ये हम नहा के आए हैं और टेस्ट करेंगे कि चिकन अब कैसा बना है, मतलब और कितना देर लगेगा। ओहो, चिकन बहुत पसंद है हमें, चिकन मटन और अंडे बहुत पसंद है हमें। एक सेल्फी वीडियो ले रहा हूँ, सब बिजी है काम में।
ये नहाने के बाद मेरा जो अवतार हुआ है वो बहुत फनी था। और ये है करी, मराठी में रस्सा बोलते हैं। ये टेस्ट के लिए मैंने लिया है। अब बहुत बहुत ही मतलब यमी डिलीशियस लगेगा ये रस्सा, क्योंकि वहाँ के नदी का पानी इसमें यूज़ किया गया है और इसकी जो टेस्ट होती है वो बहुत ही डिलीशियस होती है। उस पानी की वजह से वो और भी टेस्टी बनता है नदी के पानी से। और हम बैठे हुए हैं सर्कल बना के खाना खाने के लिए। उसके बाद ये है शाम का नज़ारा। शाम के 6 बजे है और हम अब खाना खा के गाँव वापस जाने वाले हैं। ये लास्ट वीडियो। सब लोग खाना खा के वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं। ये जाते वक्त लिया एक वीडियो। अब बीच में रुकेंगे और एक चाय के लिए फेमस होटल है छोटा सा, वहाँ पे चाय पियेंगे। ये हम रुके हैं चाय के लिए। एक फेमस होटल है चाय के लिए और बहुत ही मतलब टेस्टी चाय होती है यहाँ पे। ऐसी चाय वहाँ के एरिया में कहीं भी नहीं मिलती। तो ये है रात का लास्ट वाला वीडियो। तो दोस्तों लगे रहिए मेरे साथ, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू। आपका एक्टर हर्षद।